नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नूतन। computerhindinotes.com के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साउंड फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, साउंड फाइल फॉर्मेट कंप्यूटर सिस्टम पर डिजिटल ऑडियो डेटा स्टोर करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। दोस्तों, आपके फोन में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में कई सॉन्ग स्टोर रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं इनका एक फॉर्मेट होता है जिसमें ये सॉन्ग्स स्टोर रहते हैं। ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर में गाने सुनने के लिए अलग फॉर्मेट्स होते हैं, और ऑडियो मिक्सिंग या ऑडियो एडिट करने के लिए अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ऑडियो फॉर्मेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट, लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट और लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट। तो दोस्तों, अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंतर्गत PCM, WAV और AIFF फॉर्मेट्स आते हैं। लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंतर्गत MP3, AAC, WMA फॉर्मेट्स आते हैं, जबकि लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंतर्गत FLAC और ALAC फॉर्मेट आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनकंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट क्या होते हैं। तो दोस्तों, अनकंप्रेस्ड फाइल ओरिजिनल फाइल होती हैं। जैसे यदि आप अपने मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो वह ऑडियो फाइल ओरिजिनल तब तक रहती है जब तक आप इसे किसी ऑडियो एडिटर सॉफ्टवेयर में एडिट नहीं करते हैं। इसी वजह से इस फॉर्मेट में ओरिजिनल सभी ऑडियो इन्फॉर्मेशन और ऑडियो डिटेल्स मौजूद होती है, जिसे आप बाद में किसी और ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यह फॉर्मेट अनकंप्रेस्ड होने के कारण साइज में काफी बड़ा होता है। मान लीजिए, अगर आपकी 3 मिनट की कोई अनकंप्रेस्ड ऑडियो फाइल है तो उसकी साइज 1 GB तक हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे PCM। PCM का पूरा नाम पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। दोस्तों, PCM ऑडियो फॉर्मेट CD और DVD में यूज किया जाने वाला सबसे कॉमन फॉर्मेट है। इसमें कोई भी ऑडियो कंप्रेशन नहीं होता है। जो भी रॉ एनालॉग ऑडियो क्रिएट होता है, ये उसी की डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। अगला होता है हमारा WAV। WAV का मतलब होता है वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट। तो दोस्तों, हमारे मीडिया इंडस्ट्री में जितनी भी ऑडियो एडिटिंग होती है, उसमें ज्यादातर एडिटर्स WAV ऑडियो फॉर्मेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अनकंप्रेस्ड फाइल होने के कारण इससे ऑडियो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ज्यादा प्राप्त होती है। इसका एडिट आउटपुट भी काफी अच्छा मिलता है। अगला है हमारा AIFF। AIFF का मतलब होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। तो दोस्तों, यह भी WAV की तरह ही एक फॉर्मेट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि AIFF फाइल फॉर्मेट मैक सिस्टम के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, लेकिन आप इसे विंडोज पर भी चला सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट क्या होते हैं। तो दोस्तों, लॉसी कंप्रेस्ड डेटा को कंप्रेस करने की एक प्रोसेस है, जो कंप्रेस करने के बाद ऑडियो फाइल से अनावश्यक जानकारी को हटा देता है, और कंप्रेस होने के बाद उस जानकारी को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है, यदि आप किसी ऑडियो फाइल को कंप्रेस करते हैं तो उसमें से जो अनावश्यक जानकारी होगी वो हट जाती है, जिसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस करने के बाद फाइल साइज बहुत कम हो जाती है। इसमें फाइल को कंप्रेस करते समय ऑडियो क्वालिटी और ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी लॉस हो जाती है। तो चलिए जानते हैं लॉसी कंप्रेस फॉर्मेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा MP3। तो दोस्तों, MP3 सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट है। आपने सुना ही होगा, MP3 जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे मोबाइल में सिस्टम में स्टोर रहते हैं, पर हम सब अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में MP3 ऑडियो फाइल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि MP3 की फाइल साइज काफी कम होती है। फाइल साइज कम होने के कारण हम अपने फोन या सिस्टम में ज्यादा गाने स्टोर करके रख सकते हैं। अगला है AAC, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। तो दोस्तों, यह MP3 से
टेक्निकली एडवांस्ड फॉर्मेट होता है, इसकी ऑडियो क्वालिटी MP3 से बेटर होती है। यह भी बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट है जो यूट्यूब, एंड्रॉइड, iOS, iPhone जैसे प्लेटफॉर्म पर एक स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट माना जाता है। अगला है हमारा WMA। WMA मतलब होता है विंडोज मीडिया ऑडियो। तो दोस्तों यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया फॉर्मेट है जो विंडोज बेस्ड होता है। यह MP3 से बेहतर है पर बहुत सारे डिवाइस WMA फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला लॉसलेस कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट किसी भी इंफॉर्मेशन को खोए बिना कम जगह में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें फाइल को कंप्रेस करने के बाद भी साउंड क्वालिटी लॉस नहीं होती है। लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट के विकास का उद्देश्य अच्छा कंप्रेशन रेशियो बनाए रखते हुए प्रोसेसिंग समय को कम करना है। इसलिए ज्यादातर ऑडियो फॉर्मेट्स में लॉसलेस कंप्रेस फॉर्मेट का यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं लॉसलेस कंप्रेस फॉर्मेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा FLAC। FLAC मतलब होता है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। दोस्तों यह बहुत ही फेमस ऑडियो फॉर्मेट है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस फॉर्मेट में ओरिजिनल फॉर्मेट को 60% तक कंप्रेस करने के बाद भी उसकी एक सिंगल बिट इंफॉर्मेशन भी लॉस नहीं होती है और यह फॉर्मेट सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इसलिए ज्यादातर लोग इस फॉर्मेट को काफी पसंद करते हैं और यूज करते हैं। अगला है हमारा ALAC। ALAC का मतलब होता है एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक। तो दोस्तों यह एप्पल का एक फाइल फॉर्मेट है लेकिन कुछ सालों बाद एप्पल ने इसे रॉयली फ्री ओपन सोर्स डिक्लेयर कर दिया था। यह भी बहुत अच्छा ऑडियो फॉर्मेट है और एप्पल सिर्फ ALAC को ही iTunes और iOS के लिए सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।